गुंजन, आई यू एक्साइटेड? यस तू भी लगाएगी पटाखे की धुआं? क्या हाल है भाई? एक महीने बाद मिल रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम जा रहे हैं अमरोहा। अमरोहा क्यों जा रहे हैं श्रेयांश पाल बताएंगे। क्यों श्रेयांश पाल? काफी टाइम बाद मैं ब्लॉग के अंदर आ रहा हूँ। काफी टाइम बाद ये है वीडियो के अंदर आ रहा है। और जल्दी आपको एक सीरीज मिलेगी BNA भारतेंदु नाट्य अकेडमी की, जहाँ पे इस टाइम मैं काम कर रहा हूँ। लखनऊ में चीज़ें जो है, लुलू मॉल है और कुछ बड़ा इमाम बड़ा है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। बाकी आज का जो ब्लॉग है, आज हम जा रहे हैं अमरोहा खरीदने के लिए और पटाखे दिवाली पे लेने के लिए। तो अमरोहा जा रहे हैं पटाखे लेने के लिए। और पिछले लास्ट ईयर भी हमने पटाखे की शॉप लगाई थी। और हम इसलिए नहीं लगाते कि हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो, हम इसलिए लगाते क्योंकि हमारे अंदर खुद एक एक्साइटमेंट इतना रहता कीड़ा है हमारे एक कीड़ा है, हमें बनना है, हमें अंदर से भले जो भी है लेकिन हम बाहर से बनिए ही है। बस तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा सीख रहे हैं हम भी चीज़ों को। तो जाते हैं पटाखा फैक्ट्री, दिखाते हैं आपको, काफ़ी वैराइटीज़ वहाँ पर होती हैं। तो कोशिश करेंगे नई से नई वैराइटीज़ लेने की। और हम जितने भी पटाखे लेंगे, पटाखे लेने के लिए पहले तो हमें लोन लेना पड़ेगा। अभी हम बैंक जाएंगे, लोन लेंगे, उसके बाद पटाखे खरीदेंगे। तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, तो यूट्यूब की मनी से इतना जो है हमारे पास नहीं हो पाता कि हम अभी शॉप लगा सकें, पटाखे खरीद सकें। शॉप तो लगा रहे हैं। शॉप तो हाँ, शौक और शॉप दो सेम चीज़ है यहाँ से। शौक और शौक, शौक सही बात है। गुंजन, आर यू एक्साइटेड? यस। तू भी लगाएगी पटाखे की दुकान? पर तो एक दिन में ही है दुकान लूट जाएगी। नहीं है, MIT वाले सब लूट लेंगे। नहीं लूटेंगे। पक्का? पक्का। कितना डिस्काउंट देने वाली है उनको, अच्छे ही पता। 20% अगर 10% ऊपर दे दिया तो ये है ना, तो समझ लेगी लॉस में है। फिर अपने पास से दे दिए। देखो दोस्तों, एक बार आपको लोग सोचते हैं कि पटाखे बहुत सस्ते आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इस बार तो बहुत महंगे मिलते हैं। और इस बार तो रेट डबल हो चुका है। सोचता हूँ तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि दुकान लगाए या नया ना लगाए। लास्ट टाइम गए हैं, सुबह नाश्ता भी जो है पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर रात को 11 बजे खाना। चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, आपको लेकर चलते सीधे गोदाम। चलो थोड़ी हवा अपने अंदर भी डलवा ले, कमजोर हो गया तू बाहर रह के। और क्या कमजोर लग रहा है। तो अमरोहा पहुंच चुके हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वो गोदाम। तो ये रही पटाखा फैक्ट्री श्री बालाजी फायर वर्क्स। तो गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको पटाखा गोदाम में। तो गाड़ी हमने लगा दी है और दो गाड़ियां हम लेकर आए हैं, चार जने हम आए हैं। तो दोनों गाड़ी में पटाखे लोड होकर जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे आज, सब खरीद के लेके चलेंगे। तो ये है पटाखा फैक्ट्री श्री बालाजी फायर वर्कर्स के नाम पर है, अमरोहा में ये फैक्ट्री पड़ती है, जो कि भूरा के नाम से भी जाना जाता है। पहले कहीं और था इनका, अब यहाँ शिफ्ट कर लिया है खुले मैदान में, ताकि सेफ्टी बनी रहे। बिकॉज 20 साल पहले इनके गोदाम में आग लग गई थी और काफ़ी लोग जल गए थे, अंकल भी जले हुए हैं, दिखाऊंगा मैं। तो ये कुछ वैराइटीज़ हैं, ये किसी दूसरे भैया का माल है, अभी हम पटाखे अपने निकलवाएंगे। तो ये रहा इनका गोदाम, अभी और भी है, पीछे वाला गेट भी है, जो कि हमें अलाउ नहीं होता अंदर जाने के लिए, वीडियो भी अलाउ नहीं होती, बट मैंने परमिशन लेकर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अंकल जी बैठे हैं जिनकी मैं बात कर रहा था अभी बाहर। तो ये साइड में जो है इन्होंने एक डिस्प्ले लगा रखी है पटाखों की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही डिस्प्ले, अलाउ नहीं है, ज़्यादा देर नहीं दिखा सकता। तो
हमारा सामान निकल रहा है, लिस्ट पहुंच गई है भैया के पास हमारी एक घंटे के बाद। तो ये हमारा ही सामान है सब, अभी और भी निकल रहा है, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे निकलने में और भी। तो ये बजरंगबली की पोस्टर जो है ऊपर बजरंगबली बनकर आते थे वो चेंज हो गई है, अब बजरंगबली के डिब्बे पे आप देख सकते हैं अब दूसरी लगा दी है। काफ़ी सारे लड़के हैं जो काम कर रहे हैं अंकल जी के पास और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अभी जितना देख रहे हैं आप अभी और देखेंगे, आइडिया लगा। तो भैया ये 3 गाड़ियों में हमारा माल भर चुका है, लेकर जाने वाले हैं, जो सही जवाब देगा उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, और मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में दूंगा। अभी और आ रहा है जो तीसरी गाड़ी में लोड होगा। हाँ हाँ ठीक है, डिब्बा है कोई आएगा। ठीक है ठीक है, तो अभी तो माल आ रहा है और शिवालाजी फायरवर्क्स। अब लगेगी आतिशबाजी में आग। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया पटाखे खरीद के? आर यू एक्साइटेड? यस ब्रो, यस टोटली एक्साइटेड। अब आएगा मजा है, अब लगेगी दुकान, अब लगेगी दुकान। बिजनेस करना है तो पुरुषोत्तम भाई बड़ा है। हाँ हाँ भाई आओ लड़को, लाते रहो माल, आज पूरा गोदाम खरीद लेंगे। क्यों इशराज? रखो रखो रखो, अभी तीसरी कार भी है अपनी। हाँ श्री, गाड़ियां भर गई, अपनी गड्डियां फुल हो चुकी हैं, दोनों पैक हो गई हैं। और एक एक खड़ी है वो, इसे बेचने के बाद ये खरीदेंगे। दिवाली पे शॉप लगाना मतलब लगता है कि बहुत इजी है, या आप सोच रहे हैं कि पटाखे लेने आ गए पैसे से, लेकिन अभी बहुत मेहनत बाकी है। लाइसेंस लेने में काफ़ी दिक्कत लगती है और काफ़ी मेहनत है इसमें, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि पटाखे कितने महंगे हो गए तो आप गोदाम पे आइए और देखिए, बहुत बहुत कॉस्टली पटाखे हो चुके हैं। हाँ हम महंगे पटाखे तो हुए हैं इस बार, मतलब जो माल पहले हमें मिल गया था 50,000 रुपये का, वो 80 है, 80 का पड़ा है माल हुआ, तो सोचिए कि कितने महंगे, अब महंगे लिए हैं तो महंगे बेच बिकेंगे और क्या कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, दिवाली तक मिलते हैं। तो पटाखे हम ले चुके हैं और हम अब यहाँ से जा रहे हैं गोदाम से। तो पाकुड़े में अभी बारिश पड़ रही है और किस्तों में बारिश हो रही है मुरादाबाद में, तो हम घर पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में। वहाँ से निकले हुए हैं 11 बजे से और कुछ खाया भी नहीं है, बिना खाए घर से निकल गए थे, और 5 बज रहे हैं इस वक्त। हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, खस्ता खाने का मन कर रहा है। कटन ऐसे लगते हैं, हाँ जो कटन, एक कटन उसका है।
कमरा पटाखों से पूरा भर चुका है, स्टॉक काफी रख लिया है, अभी और आना बाकी है, शॉर्टेज है हमारे पास, तो मैं लेकर आऊंगा वो नेक्स्ट वीक। तो आप देख रहे हैं काफी वैरायटीज हमारे पास हैं जो अवेलेबल हैं, जिसको भी नीड हो वो मुझे डीएम करें। तो हमारी जो शॉप लगने वाली है वो दिवाली से 3 दिन पहले लगने वाली है, श्री फायरवर्क्स के नाम से। तो ये शॉप MDA पॉलिटेक्निक में लगेगी, तो जिसको भी ज़रूरत हो कॉन्टैक्ट मी।